हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ सोना रोड पे एक और अपडेट वीडियो लेके। एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन सब सही चल रही थी, बट कल रात सोना रोड का एक सेक्शन, जो एलिवेटेड रोड है उसका एक सेक्शन गिर गया है। दो तीन दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है। बट कल रात एक सेक्शन, दो पिलर्स के बीच का सेक्शन जो है वो गिर गया है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे काम पूरा हो गया है और लेन एक्सटेंड करने का काम चल रहा था यहाँ पे। ये देखिए, ये जो दो पिलर्स के बीच का सेक्शन है यही आगे जाके गिर गया है एक जगह पे। ये यहाँ पे भी लेन एक्सटेंड का काम चल रहा है ऊपर। ये देखिए, ये सामने जो आप देख सकते हैं सामने की तरफ, ये पूरा सेक्शन बीच से आके नीचे गिर गया है। ये देखिए सामने, ये वाला सेक्शन गिर गया है नीचे। कल रात नीचे इस पिलर से लेके वहाँ तक का सेक्शन जो था ये कल नीचे अभी गिर गया। और आई डोंट नो अभी इसको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। ये देखिए, तो बीच से वहाँ से टूट गया है और पूरा नीचे गिर गया है। अभी तक किसी को चोट वोट ऐसी लगी नहीं है, बट ऊपर वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे और उनको थोड़ी बहुत चोट लगी है, बट सेफ था क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, तो इसलिए। और रात का टाइम था और बैरिकेटिंग पहले से ही कर रखी थी, तो इसलिए किसी की जान नहीं गई है इसमें, तो थोड़ा सा पॉजिटिव। बट ये पूरा सेक्शन आके नीचे गिर गया है। ये अभी ही बना था, ये देखिए आगे ये अभी मूव हुआ है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बने हुए। ये अभी यहाँ आगे का सेक्शन चल रहा है काम। चलिए मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं अपोजिट साइड आ गया हूँ। तो ये यहाँ से वहाँ से फिसल के ये नीचे गिर गया है उस वाले पिलर से, और ये यहाँ से बीच से ब्रेक हो गया है। देखिए, जहाँ पे जॉइंट था वहाँ से ये खुल गया है। और ये देखिए, पूरा सेक्शन अभी थोड़े दिन पहले ही, तीन चार हफ्ते ही हुए होंगे इसको बने हुए। और ये देखिए, ये आगे की तरफ क्रेन आगे मूव हुई है, बस ये एक सेक्शन और बना है आगे का और यहाँ से ये ब्रेक होकर गिर गया। सेक्टर सरकार पहले ही काम इतना धीरे धीरे कर रही है। मेट्रो का काम इन्होंने इतने टाइम से पेंडिंग कर रखा है, अभी तक इनसे पास नहीं हो पाया है। मेट्रो का काम आगे नहीं कर पा रहे हैं और इतने टाइम से उसको बस कभी प्लान चेंज कर देते हैं, कभी रूट चेंज कर देते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे का काम इतना पेंडिंग चल रहा है और उसके बाद ये देखने को मिलता है। ये देखिए, पूरा सेक्शन गिर गया है।